नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्वीज में। देखिए, रीट मुख्य परीक्षा लेवल वन और लेवल टू के लिए जो राजस्थान करंट अफेयर्स हैं, तो राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे 1 से 30 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। ठीक है, पूरे माह का करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स अपन ने पहले वीडियो में देख लिया था और आज की वीडियो में मार्च 2022 का करंट अफेयर्स अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, पुस्तक आपको दिख रही होगी, गौरव सिंह घाणी राव की पुस्तक है, राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक पुस्तक है 2023 के लिए। तो इसके अंदर से अपन पूरी वीडियो देखने वाले हैं, तो आप एक बार सभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स मिलने वाला है। उसके बाद आपको जनवरी 2023 का भी करंट अफेयर्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्च 2022, तो मार्च 2022 के अपन पूरे की पूरे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसलमेर के पूर्व महारावल चेतन्य राज सिंह के द्वारा विमोचित पुस्तक मगरेरा मोती मिनजी रत्नों के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भंवर पृथ्वीराज रत्नों। कौन है? भंवर पृथ्वीराज रत्नों। इसकी व्याख्या देखिए, इसका विमोचन 13 मार्च को हुआ था और पुस्तक का विमोचन जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने बीकानेर के टाउन हॉल में किया था। मिनजी की स्मृति में यह पुस्तक लिखी गई है। कोलाय तहसील मगरा क्षेत्र कहलाता है और इसी पर पुस्तक मगरेरा मोती मिनजी रत्नों लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो इसका जो राइट आंसर है ई इंटीमेट। ठीक है, ई इंटीमेट, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। देखिए, इसकी व्याख्या देखिए, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय और यूक्रेन दूतावास से समन्वय रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में 7 से 13 मार्च 2022 को सघन मिश्र इंद्रधनुष अभियान 4.0 चलाया गया, इस अभियान का कौन सा चरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा चरण। कौन सा चरण है? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य में आयुर्टेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की मंजूरी किस संस्थान को दी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा राज्य में 2 मार्च 2022 से ई वेस्ट संग्रहण अभियान का कौन सा चरण प्रारंभ किया? तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीय चरण। कौन सा चरण? तृतीय चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक स्थिति के कारण जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को फिर से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? तो यहाँ पर हो जाएगा जागृति बैक टू वर्क योजना। ठीक है, जागृति बैक टू वर्क योजना। इसकी व्याख्या देखिए, इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, प्रतिकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने से सक्षम नहीं होगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो कौन सी योजना हो गई है? जागृति बैक टू वर्क योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा संरक्षण आयोग तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से चलाए गए एक युद्ध नशे के विरुद्ध, देखिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर हो जाएगा बूंदी जिले को। कौन से जिले को मिला? बूंदी जिले को। देखिए व्याख्या देखिए इसकी, बूंदी जिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देखिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वावधान में चलाए गए एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान अंतर्गत देशभर से चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों में शामिल हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय सतीश जोशी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह निरस्त करने की साहसिक मुहिम के लिए प्रदेश में किसे विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से नवाजा गया? तो यहाँ पर जाएगा कृति भारती। ठीक है, कृति भारती। इसकी व्याख्या देख लीजिए, महिला बाल विकास और उद्यमिता समिति और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की
मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त की साहसिक मुहिम के लिए विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से नवाजा गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति ईरानी ने डॉक्टर कृति भारती को वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानित किया। देश की चार महिलाओं में से राजस्थान से एकमात्र डॉक्टर कृति भारती सम्मानित होने वाली महिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जगह रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है तो यहाँ पर जाएगा उत्तर तलाई बाड़मेर। ठीक है, उत्तर लाई बाड़मेर। इसके बाद क्या देखिए, बाड़मेर स्थित उत्तर लाई एयरफोर्स स्टेशन को उड़ान योजना के तहत सिविल फ्लाइट संचालन की अनुमति AAI टर्मिनल बनाएगा। एयरपोर्ट को रनवे व ट्रैफिक कंट्रोल उपयोग कर सकेंगे। यात्री विमान नाल हवाई अड्डे को बीकानेर वायुसेना स्टेशन और सिविल एयरपोर्ट बीकानेर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह एक घरेलू हवाई अड्डा और एक भारतीय वायुसेना स्टेशन है जो राजस्थान भारत में बीकानेर शहर में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 2022 को पादप रोग विज्ञान पुनरीक्षण एवं संभावनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इनका आयोजन हुआ था जयपुर में। कहाँ पर हुआ, जयपुर में। देखिए जोबनेर जयपुर में ये आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2022 में मिस मरवण व मिस्टर बिकाना का खिताब किसने जीता। तो ये जीता था रुचिका और भरत बोहरा ने, रुचिका व भरत बोहरा। व्याख्या देखिए इसकी, हर साल जनवरी में बीकानेर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। साल 2022 में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के कारण इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जनवरी में रद्द कर दिया गया था जो मार्च 2022 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के तहत लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने किया। तो यहाँ पर जाएगा द कैमल विथ अ जापी। ठीक है, द कैमल विथ अ जापी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान की किस महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। तो यहाँ पर जाएगा बतुल बेगम। ठीक है, बतुल बेगम। व्याख्या देखिए इसकी, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 यहाँ पर कट गया है 8 मार्च ठीक है 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए कुल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बतुल बेगम का संबंध है मांड गायकी से। किससे संबंधित है, मांड गायकी। देखिए अन्य प्रसिद्ध मांड गायिकाएं, गौरी देवी पाली भैरवी युक्त मांड गायकी में प्रसिद्ध हैं। गौरी देवी बीकानेर जोधपुर निवासी शादी मांड गायकी में प्रसिद्ध हैं। और मांगी बाई उदयपुर, ये राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार गाया था केसरिया बालामोला। ठीक है, और जमीला बनो तो ये जोधपुर, बनो बेगम जयपुर, प्रसिद्ध नर्त की गोहर जान की पुत्री हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के बीकानेर जिले में महिलाओं व बालिकाओं को एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर शक्ति, कौन सा अभियान, शक्ति अभियान। देखिए व्याख्या देखिए इसकी, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद लाल के नेतृत्व में बीकानेर जिला स्तर पर लिंगानुपात सुधारने हेतु शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत हर माह पहले मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, हर माह पहला मंगलवार को। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस राजस्थानी फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारो बाबुल, कौन सी फिल्म, प्यारो बाबुल। व्याख्या देखिए इसकी, लगभग 2 साल 4 महीने 3 दिन बाद एक बार फिर राजस्थानी फिल्म सिनेमा हॉल पहुँची और इसकी शुरुआत जोधपुर से हुई थी। डायरेक्टर समीर खान की प्यारो बाबुल फिल्म के पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया कृष्णकांत जोशी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मशहूर गजल गायक राजकुमार रिजवी का निधन हो गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है। तो इनका संबंध रहा झुंझुनू जिले से। देखिए गजल गायकी के बादशाह मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य के रूप में पहचाने जाते थे राजकुमार रिजवी। राजकुमार रिजवी का जन्म झुंझुनू के मंडावा में एक संगीत प्रेमी कलाकार घराने में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा वीमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड्स द्वारा प्रदेश से किसे सम्मानित किया गया।
तो यहाँ पर जाएगा निशा जैन ग्रोवर व सुनीता घोष। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए, निशा जैन का जो संबंध है जयपुर से है और सुनीता घोष का संबंध है बीकानेर से। WTI अवार्ड्स को नीति आयोग की एक वार्षिक पहल है। भारत की उन महिला नेताओं को प्रदान किया जो अपने सराहनीय प्रयासों से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए WTI पुरस्कारों को सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। WTI वीमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड्स का यह पाँचवा संस्करण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 से 14 मार्च 2022 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर जाएगा 15वें नंबर का। देखिए व्याख्या देखिए इसकी, होटल क्लार्क आमेर में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत और इंडियन फ्यूजन बैंड के लीड गायक उज्ज्वल नागर की प्रस्तुति के साथ इसका आगाज हुआ। इस फेस्टिवल में 15 भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हुए। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2022 तक 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ था? सीकर में। ठीक है, सीकर। देखिए यह आयोजन सीकर के लक्ष्मणगढ़ में हुआ। लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगातार दूसरी बार इस उत्सव का आयोजन हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 2022 को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रदुमन सिंह के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय की किस त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा द इकोनॉमिकल बुलेटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, बुलेटिन का प्रथम संस्करण स्टेट फाइनेंस ऑफ राजस्थान, राज्य की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां, वे बजट आवंटन, ऋण एवं घाटे की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य की वित्तीय स्थिति पर COVID-19 के प्रभाव तथा राज्य को मिलने वाले GST कॉम्पिशन का पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ICMR प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ यूनिट कहां पर बनेगी? तो ये बनेगी कोटा में। देखिए व्याख्या देखिए इसकी, ग्रामीण आबादी में फैलने वाली बीमारियों की जरूरतों समेत विभिन्न बिंदुओं पर रिसर्च करने के लिए कोटा जिले के सुल्तानपुर में मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट MRHRU बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को एक स्मृति चिन्ह के रूप में चंदन से बना मोरपंखी भेंट की गई। यह मोरपंखी राजस्थान के किस कलाकार ने बनाया था? तो यह बनाया था पवन जहांगीर ने। किसने बनाया? पवन जहांगीर। इसकी व्याख्या देखिए, चूरू जिले के निवासी हैं श्री पवन जहांगीर जी। चंदन की लकड़ी पर आकृतियाँ उकेरते हैं। चंदन के बादाम, गिटार, नृत्यकी, मोरपंखी सहित कई ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो उनके हस्तशिल्प का बेजोड़ उदाहरण है। अपने पिता चौतमल जी जहांगीर के साथ मिलकर उन्होंने 45 दिन में यह नायाब पंखी तैयार की थी। पवन जहांगीर की परिवार की 4 पीढ़ियाँ इसी काम में लगी हुई है और इन्हें 11 बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सम्मान मिल चुका है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी एकांका गुआ पर तिरंगा फहराने वाली गीता समोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? गीता समोता, तो इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से हैं? तो ये हो जाएगा सीकर जिले से। ठीक है, गीता समोता का संबंध सीकर जिले से। इसके बाद देखिए, राजस्थान के किस शहर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा IIT कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में 14 मार्च 2022 को 40 स्थानों पर लोकास्ट सेंसर नेटवर्क लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च की 92वें वर्षगांठ पर राज्य में कहाँ पर 12 मार्च 2022 को शांति यात्रा का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा जयपुर। व्याख्या देखिए इसकी, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। कब की गई? 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गाँव दांडी तक निकाली गई थी। शुरुआती समय में तकरीबन 78 व्यक्तियों ने इस यात्रा में भाग लिया था। लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 241 मील की दूरी तय कर यह यात्रा दांडी पहुंची थी। नमक कानून को तोड़ने पर 70,000 से ज़्यादा लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई थी। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौते के बाद यह आंदोलन खत्म हो गया था। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, समय माता क्षेत्र राज्य के किस जिले में है?
जिसे इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा बांसवाड़ा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2022 को डॉक्टर सीपी देवल के द्वारा कौन सी पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेंट की गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गीता मिनिएचर पेंटिंग, द गीता मिनिएचर पेंटिंग। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, साध्वी कनक प्रभाजी किस धर्म से संबंधित थी जिनका 17 मार्च 2022 को महाप्रयाण हो गया, तो ये हो जाएगी जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म। देखिए इनकी व्याख्या देखिए, साध्वी कनक प्रभाजी का जन्म भारत की पुरानी राजधानी कलकत्ता में 22 जुलाई 1941 को हुआ था। वो श्वेतांबर तेरापंथ की साध्वी प्रमुखा थी, ठीक है। तो ये हो गया मार्च का करंट अफेयर्स पूरा, और अगली वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको एक के बाद एक वीडियो करके पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स मिलने वाला है, ठीक है, जनवरी से दिसंबर माह, और उसके बाद में जनवरी 2023 का भी आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।